नमस्कार, मैं हूं मीरा। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष की। जब हम पैदा होते हैं उस समय और उस स्थान यानी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार बनती है हमारी कुंडली, हमारी जन्म पत्र। हमारी कुंडली में अगर आपने कभी अपनी कुंडली देखी हो, 12 स्थान होते हैं, 12 बॉक्सेस बने होते हैं जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, जिन्हें 12 भाव भी कहते हैं। जब हम पैदा हुए उस समय की प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, उस समय के मुताबिक ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये तय होता है कि कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर स्थित होगा। जिस भी व्यक्ति के पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश यानी 12वें स्थान पर मंगल ग्रह स्थित होते हैं उसे मांगलिक कहते हैं। अक्सर लोग ये सुन के घबरा जाते हैं कि हम मंगलिक हैं या हमारी संतान मंगलिक है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 80% लोग मांगलिक होते हैं या तो चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, क्योंकि मंगल ग्रह की केवल पोजीशन में एक फैक्टर है, एक चेंज है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे हमारी चेहरे की खूबसूरती, हमारे नयन नक्श और रूप रंग बताते हैं, उसमें से कोई एक अलग से डिफाइन हो गया। जैसे हमारा रंग सांपला हो गया या हमारी आंख छोटी होगी तो उससे हमारी पूरी खूबसूरती तो नहीं बिगड़ जाएगी। उसी तरीके से अगर मंगल पहले, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें में बैठकर मंगल दोष ला रहे हैं तो उससे पूरी कुंडली की खूबसूरती नहीं बिगड़ जाएगी। कुंडली की खूबसूरती, उसकी कामयाबी बताने के लिए बहुत से और गुण और योग मायने रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मांगलिक की मांगलिक व्यक्ति से ही शादी होनी चाहिए, नहीं तो जीवन साथी संग संबंधों में दिक्कत आती है या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कितने सारे मांगलिक जोड़ों का विवाह असफल रहता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मंगल दोष मांगलिक होना केवल एक फैक्टर है। अगर बाकी सारे गुण भी मेल नहीं खाते, बाकी सारे योग भी खराब है, दशा दशा भी खराब है, तो शादी तो विवाह असफल रहेगा। लेकिन मांगलिक की अमांगलिक से भी शादी हो सकती है अगर बाकी सारे गुण मेल खाते हैं, बाकी सारे योग बहुत अच्छे हैं, दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है, तो वो विवाह निश्चित ही सफल रहेगा। इसलिए केवल मांगलिक देखकर आपने विवाह का निर्णय नहीं लेना है। पत्री मिलान में बहुत से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नजर में रखकर ही ये फैसला लेना चाहिए कि विवाह करना है या नहीं करना है। तो आपने मांगलिक देखकर घबराना नहीं है। ज्योतिष अनुसार मांगलिक व्यक्ति के लिए मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं जिनसे मंगल ग्रह बलवान हो जाते हैं, जिनमें से आज कुछ सरल उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आप आसानी से घर में अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है मंगलवार के दिन व्रत रखना, उस दिन सात्विक भोजन लेना। नॉनवेज वैसे तो आपको खाना नहीं चाहिए अगर आप मांगलिक हैं, लेकिन मंगलवार के दिन तो खास परहेज करें आप। इसके अलावा रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। अगर आप खुद पढ़कर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाकर सुन ले। हनुमान मंत्र ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप भी रोज 108 बार करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। अगर 108 बार करना रोज मुमकिन नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आप बिजी हैं, किसी वजह से नहीं कर सकते, तो 11, 21, 51 जितनी बारी भी कर सके करें, लेकिन मंगलवार को खास 108 बार जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ महीने में एक बार अपने घर में जरूर करवाएं अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति मांगलिक है। मंगलवार के दिन दान पुण्य करें, पशु पक्षी को भोग कराएं। लाल चीजों का दान श्रेष्ठ माना जाता है मंगल ग्रह के लिए, जैसे मसर की दाल, लाल फल हो गए, सेब हो गया, अनार हो गए, लाल वस्त्र हो गया। अगर इनमें से कोई और चीज देने की आपको मन में इच्छा है या फिर जिस व्यक्ति को जरूरत है उसको किसी और चीज की जरूरत है, तो आप उसी चीज को, उसी वस्तु को लाल वस्त्र में लपेट के देंगे तो आपका काम भी होगा और उस व्यक्ति की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। लाल कलावा अपने रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांधना भी श्रेष्ठ माना जाता है, शुभ माना जाता है मांगलिक व्यक्ति के लिए। रत्नों में मूंगा रेड कॉरल पहनना शुभ रहेगा मांगलिक व्यक्ति के लिए, उससे आपके मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
सिंदूर वाली मूर्ति जो हनुमान जी की होती है, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर उस मूर्ति से आपने अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। तो ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपके मंगल ग्रह निश्चित ही बलवान हो जाएंगे और मांगलिक दोष का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो आपने, अगर आप खुद मांगलिक हैं या आपकी संतान मांगलिक है, भाई बहन मांगलिक है, ये जानकर घबराना नहीं है, बस ये उपाय करने हैं। याद रखिए, जैसा मैंने बताया, 80% से ज्यादा लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक होना केवल एक फैक्टर है, कुंडली की खूबसूरती, कामयाबी बताने की बहुत से और योग, दशा अंतर दशा इंपॉर्टेंट होती है। ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई, टैरो और न्यूमरोलॉजी, इन सब की जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ।